अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं हर दिन आप लोग से कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आज ये मेरा प्यारा क्यूट सा ड्रेसिंग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे सारे क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम, सारी चीज़ें यहाँ रखी रहती हूँ। यहाँ कंघी का ड्रॉज है और ये बच्चों के हेयर बैंड्स का ड्रॉज है। तो मैं ये सब अभी जमे नहीं है, मैं कभी और इसको सेट करूँगी, सो आपसे शेयर करूँगी। तो मैं बताई कि ये देखिए, और डाइनिंग मैंने अभी साफ़ किया है, और जब भी ड्रेसिंग रेडी करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए, ये मेरा मसाले का डिब्बा है, किचन क्वींस डिब्बा, मतलब इतना खजाने का डिब्बा बोलना चाहिए। किचन के जो क्वींस होती है ना, उनका सबसे फेवरेट डिब्बा होता है, क्योंकि इसमें सारे मसाले वगैरह रहते हैं, स्पाइसेस, जो कि उनके सबसे पसंदीदा रहते हैं और सबसे ज़्यादा यूजेबल रहते हैं। और ये छोटे छोटे स्पून है, इसको मैंने, ये जो है डिब्बा, मैंने बॉक्स को छोटे छोटे इसमें कटोरियाँ वगैरह रखी हैं, जो कि इसमें मसाले अलग अलग डालूंगी मैं। मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है, जो कि सारे मसाले होते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ये डिब्बा इतना कलरफुल लगता है जब इसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ मैं, और जब मुझे कुछ मसाले चाहिए तो सारे एक साथ रहते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन सब इकट्ठे मिल रहे हैं, जो अलग अलग रहते हैं वो एक साथ। अब मैं सब में भर दूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, धनिया पाउडर, काली मिर्च और हल्दी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, और इसमें मैं कुछ और रख दूंगी, सहजीरा वगैरह, जब जैसा लगेगा। तो देखिए, इतने सारे डिब्बे हो गए, छोटी छोटी कटोरियाँ हो गई, कि सब भर गई हूँ। कितनी कलरफुल, और ये मेरा फेवरेट है। और अब ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सोची कि क्या रखूँ जो ज़्यादा लगता है, तो फिर मैंने इसमें राई रख दी थी, जो कि पूरा फुल हो चुका है, और कितना खूबसूरत कलरफुल दिख रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मसाले चाहिए रहते हैं, मैं फट से खोलती हूँ, मुझे सारे मसालों का खजाना यूँ ही मिल जाता, नहीं तो अपन अलग अलग निकालो। और जिसके पास नहीं है तो ज़रूर ट्राई करिए लेके, बहुत अच्छा होता है, सारे मसाले एक ही डिब्बे में, और इतने खूबसूरत लगते हैं। जब भी मैं खोलती हूँ, एक पॉजिटिविटी आती है, और बहुत अच्छा लगता है, कि मैं मतलब एकदम कलरफुल दिखता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। और इसमें फिर अपन मसाले वगैरह ले लेके बनाओ तो और मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इससे। बिल्कुल मैं बॉक्स खोलती हूँ, कलरफुल दिखता है, फिर उससे मैं थोड़ा थोड़े मसाले लेती हूँ, तो मुझे बहुत इंजॉय, मतलब इंजॉय करना बोल लो या इंजॉय होता है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको बंद करती हूँ, और मैं इसको कुछ कुछ दिनों में सेट करती रहती हूँ, क्योंकि जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और अब नायमा की यूनिफॉर्म मुझे मिल चुकी थी ढूंढने पे, थोड़ी सी हल्की सी टाइट हो रही थी, बट हमको कुछ दिन ही जाना है। तो ये देखिए, सेकेंड डे है नायमा का स्कूल में। हाँ जाओ, सेंट विल्सन प्लॉट स्कूल। बाय। बेटा लो पकड़ो, सैनिटाइज ले लो पहले, जाओ ये लो ना। अरे अभी तो पहन जाओ। KG1 वो KG1 ई है, क्यों कर देते ना, वो खड़ी है नायमा। बाय बाय, उनसे बोलो फिर मैं पहुंचाएंगी। भैया फोन दे, ले शर्मा जी, जल्दी नसरी ठीक है, ये ले लो बड़ा, यूं सीधा चले। वो उसके साथ जा रही है, वो केजी का। जाओ जाओ। नायमा को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है, और मैंने रखी हूँ गाड़ी थोड़ा सा इधर लाके, क्योंकि मुझे मेन स्कूल में जो ऑफिस है वहाँ पर मुझे काम था, तो ये मैं पैदल जा रही हूँ स्टैंड, मतलब दूर थोड़े पे रख के स्टैंड में, क्योंकि नायमा को छोड़ने के बाद फिर वहाँ से निकल जाते, वहाँ गाड़ी नहीं छोड़ सकते अपन फिर लाके, क्योंकि नायमा का स्कूल मेन गेट तो अलग दिखता है, बट अंदर काफ़ी लॉन्ग है, 1.5 किलोमीटर जैसे अंदर चलना पड़ता है, तब यहाँ से नायमा का स्कूल आता है, ये जो देख रहे हैं। और यहाँ से ये बड़ी क्लासेस वगैरह, और ये गाड़ियाँ जो रखी स्कूल के टीचर वगैरह की, और देखिए
कितना खूबसूरत लगता है। और यहाँ दीदी बैठी है जो कि एंट्री करती है, नाम वगैरह पूछती है, नंबर पूछती है हर बार। अभी तो मुझे पहचानने लगी है क्योंकि मैं सीरीन के एडमिशन के लिए से इतने बार जा चुकी हूँ कि ले लीजिए, बट ये स्कूल में लेते ही नहीं है कि बच्चे ऑलरेडी 90% से ऊपर रहते हैं और इसमें नीचे आए मतलब स्कूल से निकाल दिए जाते हैं कि कम परसेंट लाते हैं। तो सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि एक भी बच्चा निकलने को नहीं खाली रहता है, तो उस वजह से सीरीन का हो नहीं पा रहा है। इस बार देखिए मैं फिर से आई हूँ नेक्स्ट ईयर 6th क्लास में एडमिशन के लिए। मैं 3rd क्लास से कोशिश कर रही हूँ और ये जा रहा है इन लोग के प्रिंसिपल फादर, जो बोलते हैं फादर प्रिंसिपल, वो गए हैं अभी। और वो रहा ऑफिस उनका, और ये देखिए इस तरीके से है यहाँ का ऑफिस, सेंट विल्सन फलौटी स्कूल है। और यहाँ मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, ये देख रहे हैं अंदर ये काउंटर है जो कि फीस वगैरह पे करते हैं। और मैंने फिर बात की वहाँ, तो फॉर्म उन्होंने बोले कि 15 तारीख को फॉर्म जैसे आएंगे तो आप फिलअप कर दीजिए, फिर देखा जाएगा कैसा क्या है, बट चांस बहुत कम है क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं निकलता है। ट्रांसफ़र अगर किसी का हो वही जाएगा, बट ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी अमेजिंग है कि बच्चे 90% से नीचे एक भी नहीं रहता है। और बाय चांस बोर्ड परीक्षा में 90 से नीचे आ गए तो फिर उन लोग इस स्कूल में बच्चों को बिल्कुल नहीं रखते हैं। इसीलिए नायमा की पढ़ाई बहुत ही अलग है, इतनी ज़्यादा कि उसको हर एक चीज़ याद होता है क्योंकि स्कूल में ही ऑलरेडी इतना पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बर्ड्स वगैरह हैं, सभी चीज़ें हैं। और मैंने ये देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ कितनी खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स हैं, जो कि हम लोग के घर लव बर्ड्स हैं ना वही हैं, और भी हैं बहुत सारी, मैं दिखाती हूँ अलग अलग टाइप की है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से जा रही थी तो आप लोग से शेयर करूँ, बट उतने रोशनी ऐसी पड़ रही थी कि क्लियर नहीं दिख रहा था, तो किसी और दिन मैं आपसे बताऊँगी। अब मैं इसी तरीके से पैदल निकल रही थी क्योंकि काफ़ी लंबा है ऑफिस, अंदर यहाँ चलना, फिर बच्चों की स्कूल। और ये छोटे बच्चों की स्कूल अंदर इसलिए बनाए क्योंकि वहाँ पर स्विमिंग पूल और गार्डन वगैरह, झूले और बच्चों के खेलने के हिसाब से चीज़ें होने के लिए उधर साइड ये यहाँ से जाते हैं, काफ़ी स्पेस में बनाया गया है। ये देखिए सेंट विल्सन पलौटी स्कूल। अब मैं पैदल जा रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ यहाँ से नायमा के स्कूल जाते हैं और क्लास वगैरह। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मेन गेट बहुत दूर है, अभी मैंने स्कूटी रखी उसके बाद भी और चलना है, तो इसीलिए मुझे स्कूटी लेना पड़ा क्योंकि नायमा नहीं चल पाती थी जब मैं घर से पैदल लाती थी, क्योंकि घर सामने ही है। और आजू आइड साइड में देखिए कितने प्यारे फ्लावर लगाए हैं इन लोग ने, इतना खूबसूरत लगता है जब इंटर करो, अंदर आओ तो एकदम हरा भरा और डिज़ाइनर पेड़ पौधे, और कहीं भी ऐसे नहीं कि गंदगी कचरा है, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती, बहुत अच्छा लगता है स्कूल इस तरीके से आने में। और ये रही अब स्कूटी, जो कि मेरी गाड़ी यहाँ पर रखी थी मैंने और पैदल गई हुई थी क्योंकि वहाँ तक तो नहीं जा पाती है, या फिर नायमा को छोड़ने जाओ तो आगे जाती है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ और जाती हूँ मैं घर यहाँ से। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि जो छोटा सा हमने गार्डन के बनाए थे पेड़ वगैरह वो कैसे हैं। ये मैं घर आ चुकी हूँ, सो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये देखिए, ये है हरी मिर्च जो कि इन्होंने लगाए थे, कितनी अच्छे से लगाए थे, और देखिए आ गई। और ये हरा धनिया देखिए आना स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, इसी तरीके से हरा धनिया आके पूरा भर जाएगा। और मिर्च तो इतनी तेज़ी से आई है कि अब क्या बताएं, इतना मज़ा आ रहा है ना ये सब देखने में, इतने ऐसे और घर में मतलब हो रहा है तो एक अलग अमेजिंग सा लगता है और एक अलग खुशी होती है कि यार घर में मिर्च होंगी, धनिया होंगे, टमाटर होंगे। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।